और खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर बहस छिड़ने के बीच मंगलवार को केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश पर सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगाई गई है। इस संबंध में कार्मिक मंत्री ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखा है। अब सियासी दल ने नेता अपने अपने फायदे के हिसाब से मतलब निकाल रहे हैं। तीन दिन में सरकार ने लेटरल एंट्री से भर्ती का फैसला वापस ले लिया है, यानी केंद्र सरकार के सचिवों के विभिन्न पदों पर लेटरल एंट्री से भर्ती पर फिलहाल रोक लग गई है। ये रोक पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बाद लगाई गई। केंद्र सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी को निर्देश दिया है कि वो 17 अगस्त 2024 को जारी विज्ञापन वापस ले ले। करीब 40 से 45 पदों पर लेटरल एंट्री से भर्ती के लिए अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों से आवेदन मंगाए गए थे। सरकार के फैसले के बाद सियासत और सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। राहुल जी ने मुद्दा उठाया, खड़गे जी ने मुद्दा उठाया, अन्य नेताओं ने ये मुद्दा उठाया, पर असली बात यह है कि ये संविधान की जीत, सामाजिक न्याय की जीत है, आरक्षण की जीत है। नेताओं के बीच क्रेडिट लेने की होड़ हो गई है। संविधान के पैरोकारों की विजय। 7 अगस्त को ये विज्ञापन आया लेटरल एंट्री का, इन ब्रेजन डिफायंस, और उसके फौरन बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि इसको रोल बैक करना होगा क्योंकि एक के बाद एक निर्णय आप ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पीएम मोदी को इसके लिए धन्यवाद दिया। मुझे खुशी है और ये मेरे विश्वास को पुनः बल देता है कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समाज के एक बड़े वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की चिंताओं को समझा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जितना मांझी ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है। जितना मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सबकी बात समझते हैं। बहुत अच्छा किया गया है, जैसे मांग बहुत लोगों को हुई थी कि उस तरह के एंट्री में शेड्यूल कास्ट आरक्षण नहीं देखा गया था, तो इस मांग को देख करके प्रधानमंत्री ने आदेश दिया है कि अभी उस विज्ञापन को रद्द किया जाए। लेटरल एंट्री पर सरकार के नए फैसले को विपक्ष भले ही अपनी जीत बता रहा हो, बीजेपी का साफ कहना है कि आज भले ही ये लोग आरक्षण के बहाने राजनीतिक रोटी सेकें, लेकिन ये सच है कि लेटरल एंट्री को मंजूरी प्रशासनिक सुधार आयोग ने साल 2005 में ही दी थी, जिसके अध्यक्ष कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली थे। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से आनंद अमृतराज और पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।